सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉकी ब्लेड गेमिंग में। और लास्ट एपिसोड में हम इस सिटी में आ गए थे, मतलब हमने हमारा सेकेंड जिम मैच जीता था। और इस वीडियो में हम जिम मुकाबला करेंगे, हमारा तीसरा जिम मुकाबला। और आपको इधर एक बैटल करनी पड़ती है, और मैंने गलती से बैटल कर ही ली और मैंने देखा नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, तो सॉरी गाइस। तो ये है जिम। तो इधर बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक ऑल अराउंड मैरो बैक इधर मिलेगा, आपको उसे कंपल्सरी पकड़ना होगा या फिर आप अपने मतलब जिम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इधर वो घास में मिलेगा, और मैं एक जाइगेंटामैक्स स्नोरलैक्स भी पकड़ लिया था गाइस। तो ये बहुत अमेजिंग है गाइस, और मैंने उसे लेवल 30 तक भी कर दिया है। तो मैंने मेरे ट्यूटर को डेड रूम में भी कर दिया था। और इधर मैं वाटर गन अटैक करूँगा, और अब हो गया इतना। तो अब मैं इसे पकड़ने वाला हूँ, तो इसको पकड़ लूँ ना, उसके बाद मैं कहूँगा कि आपको करना क्या है गाइस, ठीक है। तो ये आ नहीं रहा है, तो मैं ग्रेट बॉल का इस्तेमाल करूँगा। और नहीं, ये इसमें भी नहीं आ रहा भाई, अब क्या करें। तो फिर से बकबॉल इसके ऊपर यूज़ करते थे, इसमें भी नहीं आ रहा है ये। तो ये कब आएगा भाई, आ जा ना, इतना क्या मतलब कर रहा है। तो पॉकी बॉल भी ख़त्म हो गया, अब ग्रेट बॉल और अल्ट्रा बॉल ही बचा है। तो और एक बार इस्तेमाल करूँगा। ओके, तो ये आ ही नहीं रहा है गाइस। तो अब हेडबट कर, ओ एक गोश्त टाइप का भी है ना वही। रॉक तो हम नहीं यार, रॉक तो हम कर लिया मैंने, और एक बार ढूंढना पड़ेगा उसे इधर इस घास में। हो गई, इस बार मैं करूँगा मैक्स स्ट्राइक। ओ भाई, इस पर इफेक्ट नहीं होता, तो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं गाइस इधर। तो इधर हम संडे शॉक इस्तेमाल करेंगे, और अच्छा इफेक्ट हो गया इसके ऊपर। तब ग्रेट बॉल का इस्तेमाल कर भाई, प्लीज़ इस बॉल तो आ जा। तो भाई आ ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें गाइस। और इसने टैक्सी को भी हरा दिया गाइस, अब निंजा वे भी तो क्या कर सकते हैं। अल्ट्रा बॉल देखते हैं भाई, अल्ट्रा बॉल में भी नहीं आ रहा है। तो गाइस मैं इसे पकड़ के जिम के मतलब मैं इसे पकड़ के आपके सामने लाऊंगा गाइस। सो गाइस, अगर आपने मैरावॉक को पकड़ लिया है, तो आप अपने पीसी में जाके मूव आइटम्स करना, और आलोडन मैरावॉक के पास कैप ही होगा, तो आपको टेक करके कर देना है इधर यस। और फिर आपको उसे इधर देखना होगा, तो इधर है गाइस। तो फिर उसके बाद आपको जिम में जाना होगा गाइस। तो एक मिनट, ये है ना, तो आपको इधर जिम में जाना होगा। तो ओ इधर और एक आने ही आता रहेगा ये, तो उसे बस आप इग्नोर कीजिए। तो इधर एक खड़ा होगा, आपको उससे देना होगा, और देखे गाइस ये होगी जिम मुकाबला। और मैं अपने जज्जों को रखूँगा ब्लैक, क्योंकि इसके पास रॉक्स हम अटैक है इसीलिए। तो इधर चले बात करते हैं इससे, और इसके पास बॉर्डर गन अटैक भी है जो बहुत इफेक्ट होगा। तो ठीक है, जो मुकाबला हो रहा है इधर, और उसका प्राप्त कौन 19 से। तो मैं रॉक्स तो कहूँगा, लेकिन उसने पहले कंफ्यूजन अटैक कर दिया मेरे ऊपर, और मैं हारने नहीं वाला हूँ। वही क्या अटैक मैं हार गया गाइस, बहुत अच्छे निंजा 32 में, और थंडर भी 32 में। आल्कनाइट, ठीक है, आल्कनाइट ने स्पीड इतनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो थंडर फैंग भाई, कितना इफेक्ट भाई। ओ नहीं, मेरा ड्रेड न्यू हाल कैसे गया यार। ठीक है गाइस, अब इधर हम अपने थंडर को चुनेंगे गाइस। तो एक्सट्रीम स्पीड, ठीक है। तो और एक बार हम एक्सट्रीम स्पीड क्या गाइस, मैं ना क्या क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सारा दिया, और जाइगेंटामैक्स पोकेमॉन आएगा, तो मैं थंडर को रखूँगा इधर, और सेंटेक्स जाइगेंटामैक्स। ये तो मुझे नॉर्मल का ही लग रहा है, बिकॉज ये इतना छोटा है ना इसलिए। तो टॉक्सिक मैं स्पार्कल रहूँ,
मैं सर्प काउंट खोलूंगा, सर्प काउंट हार जाए इसके बाद मैं ड्रैगन डांस स्नोलैक्स को भेजूंगा। इसके लिए मैंने स्नोलैक्स को पकड़ा था, आपको पता होगा ड्रैगन टैमैक्स स्नोलैक्स कितना पावरफुल है। नॉर्मल स्नोलैक्स से इतना पावरफुल होता है कि मैं आपको क्या बताऊं गाइस। तो इधर उसने फिर से सुपर पोशन इस्तेमाल किया, प्लग से देखो गाइस कितना इफेक्ट हो रहा है, और मैंने इसे हटा दिया। बढ़िया, निंजा का प्लग तो बहुत शक्तिशाली बन चुका है गाइस। ठीक है, हमें मिल चुका है हमारा तीसरा जिम बैच गाइस, और हमें मैक्स फ्लेल टीएम भी मिल रहा है, मतलब जीएम जो भी आप कहना अच्छा वो, मैं तो टीएम कहूँगा गाइस। और तो बहुत मज़ा आया सच्ची कहूँ तो गाइस, यस। तो गाइस अब हम इधर जाएंगे तो मैं साइकिल का इस्तेमाल करूँगा, और हमें इधर से कहीं जाना है, यस हमें इधर जाना है गाइस। ओ हमारा राइवल हॉप क्या क्या कर रहा है भाई, भाई वो वाइल्ड एरिया का पूरा नज़ारा क्यों दिखा रहा है मुझे पता है भाई। मैंने इधर ड्रैगन डायमैक्स स्नोलैक्स को पकड़ा था, एलिक्विड, हाँ वैसे मैं एलिक्विड को भी पकड़ा था। ये तो वही है ना जो केव में बैटल करते हैं, हमेशा आ जाते हैं हर केव में, तो बोल रहे हैं वो क्या करेगा, लॉर्ड माइंड ट्यू कुछ कुछ ऐसा कह रहा है। तो अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें मेरे हिसाब से कहीं आगे जाना होगा, और मैं अपने अकाउंट को स्विच करूंगा, तो मैं तूफान को रखूंगा गाइस इधर। तो ओके, तो ये है जाइगेंटमैक्स डेंस है गाइस, इसे ही जाइगेंटमैक्स डेंस कहते हैं। इधर आपको मेगा पोकेमॉन भी मिल सकता है गाइस, यस। मैं अभी कभी सोचा नहीं था, लेकिन मुझे दो तीन मिले थे, लेकिन मैं उनको पकड़ नहीं पाया था, इसलिए आई क्विट दैट। तो इधर स्टारेविया और ऐसे भी कौन सा 20-28 लेवल के गाइस। तो इधर वल्पिक्स है गाइस, और मैं एक और प्ले लिस्ट बनाऊंगा जिसमें जाइगेंटमैक्स हंटिंग करूंगा इसी जगह पर गाइस, बहुत मज़ा आएगा है ना, मुझे भी पता है। तो एक शौक है गाइस, ये बहुत कमाल का पोकेमॉन है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टारेविया है तो ओके, इधर चलते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैंडी बस भाई क्या है, कोई मजाक है? तो बस हम ऐसे ही पोकेमॉन हंटिंग करेंगे, मैं और एक प्लेलिस्ट वीडियोस बनाऊंगा गाइस, उसके बहुत मज़ा आएगा, हम बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़ेंगे। और इधर कौन है भाई, पता नहीं ये ले जाना हो। हाँ भाई ये क्या, एक मिनट गई, एक मिनट, ये क्या ड्रिपी पोकेमॉन है क्या, सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है गाइस ये। हाँ ये गलार का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है क्या, मुझे इसे पकड़ना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं इसे ये ड्रैगन और गोस्ट टाइप का है ना, तो ड्रैगन मैक्स स्नोलैक्स करूँगा मैम, नहीं उसे नहीं लेता। थंडर ड्रेडन्यू बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए भाई, ड्रेडन्यू इज ओके। तो ड्रीपी बहुत डरावनी लग रही है गाइस, तो हम रॉकथम करेंगे पहले। भाई ये हार गया भाई, मुझे तुम्हें हरा नहीं था, सॉरी भाई, फिर से आ जाना। ओ गया ओ इधर, हाँ तो इस बार मैं इसे आराम से हराऊंगा नहीं। ओ वाटर गन से बहुत अच्छा हो रहा है इफेक्ट, बढ़िया, इसे मैं इस्तेमाल करूँगा अभी गाइस। तो इसकी जब रेड हो गया तब मैं बस करूँगा और पोकेबॉल्स फेंकूंगा, और देखते हैं कितने पोकेबॉल लगते हैं, बिकॉज एक ड्रैगन सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन तो बहुत तो लगेंगे, और मैं बाय भी कर लिए थे अच्छे खासे पोकेबॉल्स। तो ग्रेट बॉल फेंकते हैं गाइस, भाई एक ही ग्रेट बॉल पे आ गया क्या वो गाइस, कभी सोचे नहीं था, बिकॉज ये सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ताकतवर होते हैं गाइस, कभी सोचा नहीं था। तो अब हमें कहाँ जाना है, तो अब हमें जाना है इधर गाइस, तो मैं इधर पैसे जारी रख के रखता हूँ। तो मैं तूफान से कभी मतलब बहुत समय का बैटल नहीं की, तो मैं तूफान को ही रखूँगा पहले, बैटल ही तो उससे ही रहूँगा। तो क्या कह रहे हैं ये मुझे पता नहीं चल रहा, तो मैं इधर जाना हैमर लॉक, क्या है कोई नई सीढ़ी क्या, आ गए भाई फिर से भाई। इनका हर मतलब हर एपिसोड में दर्शन होता है भाई, इनका क्या है इनका भाई, हर एपिसोड में चेयरमैन रोज वो आ जाता है, मतलब वो लियोन आ जाता है क्या ये भी। ओ भाई ये क्या कह रहा है भाई, ये चेयरमैन रोज तो हर एपिसोड में आता है भाई, शांति से रहने ही नहीं देता भाई,
एपिसोड में आने दे। और ये अब कहाँ जा रहे हैं भाई हमें इधर कुछ टाइम। हाँ भाई लियोन तू रह गया था, आजा आजा बात कर ले भाई मुझसे। तू रह गया था ना तो आ जाना बात कर। हाँ बात कर रहे हैं ना। इसकी बोरिंग लाइफ है ना, मैं पक चुका हूँ भाई सच सच्ची में यार। और वो हॉप कहाँ पर है? हॉप भी रह गया नहीं, वो तो पहले ही आ गया ना। और एक अभी रायहान, भाई रायहान तू एक जिम ले रहे तो तू जिम संभाल ना, इधर भी आया भाई मुझसे बात कर ले। भाई ये कहाँ लेकर आया है भाई मुझे? भाई सोनिया तू भी आ गई थी, तू भी आ जा भाई आ जा। रिटर्न टेस्ट के बारे में बता रहे कि वो आए जमाजेंट और कॉन्जेशन और स्पॉरेंशियल। वही भाई बोरिंग बोरिंग भाई मुझे पता है, मैंने एनीमे भी देखा है भाई। मैं सिर्फ गेम्स नहीं खेलता, मैं एनीमे भी देखता हूँ भाई साला। भाई अब तो जाने दे मुझे। सो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है गाइस, बहुत नहीं मतलब 10 मिनट की तो हो चुकी है, 11 मिनट। तो गाइस हम अगले वीडियो में मिलेंगे और मैं 2 घंटे मतलब ढूंढ लिया। ओके गाइस तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।